Shiva? So, hello friends. आज हम लोग गिरिराज जी महाराज जा रहे हैं। और किसके साथ? और अपने दादा दादी के साथ जा रहे हैं हम लोग। ये है दादा दादी। So, वहाँ जाके क्या करेंगे आप शिवा? वहाँ जाके दर्शन करेंगे और परिक्रमा करेंगे। So, हम सब जो है गिरिराज जी महाराज जा रहे हैं फैमिली के साथ। शिवा भी है। So, जय हो गिरिराज जी महाराज की जय। और सब वहाँ जाकर दर्शन करेंगे दान घाटी में। देन फिर हम सब परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। वापस ही घर ही आएंगे जो है। हाँ घर ही आएंगे। ठीक है। So, चलते रहिए, चलते हैं, फिर आगे बीच बीच में आपको दिखाएंगे जो है। जब तक आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू। इधर देखना होगा। फाइनली हम सब गोवर्धन महाराज के मंदिर में पहुंच चुके हैं, जो स्वयं श्री गिरिराज जी महाराज हैं इस समय जो है, और मंदिर के अंदर ही हैं हम जो है। तो अभी हम जो है दर्शन कर चुके हैं सब, और अब इसके बाद अब हम जो है गोवर्धन मार्ग जो है पर्वत जो है उसकी परिक्रमा करेंगे, उसके बाद राधा रानी की परिक्रमा करेंगे। सो काफी आनंद आने वाला है। आप देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी जो है चलते हैं परिक्रमा मार्ग में जो है। अब हम परिक्रमा शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आपको बताया मैंने, दान घाटी में गोवर्धन महाराज के दर्शन किए, उसके बाद हम पूरे फैमिली ही परिक्रमा की ओर चल दिए अपने ई रिक्शा के अंदर, जो कि हमको परिक्रमा कराएंगे इसी ई रिक्शा से। सो ये देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड में, यही गोवर्धन पर्वत है। काफी लंबा है गोवर्धन पर्वत, जैसा कि हमको इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, जिससे पूरे गांव वालों की रक्षा हुई थी बारिश से। सो अभी हम देख रहे हैं काफी अच्छा रास्ता है, और रास्ते में म्यूजिक और लोग काफी एंटरटेन भी हो रहे हैं और अच्छे से परिक्रमा कर रहे हैं, खूब एंजॉय होकर जो है। सो परिक्रमा मार्ग के अंदर काफी दुकानें भी हैं, अगर लोगों को जैसे भूख लगती है, क्योंकि काफी लंबी परिक्रमा है, लगभग 14 किलोमीटर की परिक्रमा है ये, दान घाटी से जो शुरू होती है। सो यहाँ पर लोग कई प्रकार से लगाते हैं, कोई लेट कर भी लगाते हैं, कोई नॉर्मल चलते हैं, और यहाँ पर पक्का ट्रैक भी है, पक्का रोड जो है सीमेंटेड, और साथ में मिट्टी का भी रोड है, जहाँ पर लोग बिना जूते के या चप्पल के चल सकते हैं। सो काफ़ी आरामदायक है यहाँ पे परिक्रमा मार्ग में। सभी लोग परिवार के साथ भी लगा रहे हैं, कुछ अकेले भी लगा रहे हैं, और मनोरंजन करते हुए भी जा रहे हैं। यहाँ पे हर तरह की दुकानें भी मिल जाएंगी, अगर आपको कहीं पे भूख लग रही है, प्यास लग रही है और परिवार के संग हैं, सो आप आराम से यहाँ पर खाना पीना करके आराम आराम से चल सकते हैं। सो काफ़ी व्यवस्थित बनी हुई है परिक्रमा मार्ग के अंदर चीज़ें, और साधन भी बहुत अच्छे से हैं। और परिक्रमा के साथ साथ जो है हमारे परिवार अपना बातचीत करते हुए चल रहे हैं, हमारे माता जी और बाबू जी अपना बातचीत करते हुए। ये वाला रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है बाहर की, तो साउंड नहीं आ पाएगी, इसलिए हम वॉइस ओवर करके कर रहे हैं, जिससे आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन भेज सके।
सो काफी खुश हैं दोनों ही, और अपनी पुरानी कहानियां बता रहे हैं, कैसे कैसे आते थे वो भी काफी आते हैं यहाँ पर जो है। सो यहाँ पर सभी ने बहुत एंजॉय किया और चल ही रहे हैं, कंटिन्यूली देख रहे हैं कि आप यहाँ पे लोगों की बड़ी भीड़ है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आते, परिक्रमा बहुत लोग करते हैं। और यहाँ पर ये भी है कि एकादशी, होली, दिवाली, जन्माष्टमी और पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो लगभग पूर्णिमा हर महीने आती है। सो हर महीने एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक बहुत यहाँ पे भीड़ होती है, अच्छा खासा रश होता है। उस समय परिक्रमा मार्ग में ई रिक्शा बहुत ही कम चल पाते हैं, जैसा कि हमको यहाँ पर पता चला। सो पूरा जत्था का जत्था चलता है यहाँ पर। सो रोड पर किसी भी वाहन का जाना आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इस समय तो बहुत ठंडक भी मिल रही थी यहाँ पे, जबकि हम जब चले थे काफी गर्मी थी दिन में, लेकिन शाम के समय मौसम ठीक था, किसी प्रकार की ज्यादा गर्मी नहीं लगी हमको और नॉर्मल ही रोड रहा। और दोनों तरफ से आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। सो हम जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं तो आगे भी हमको भी मंदिर मिलेंगे जहाँ पे अभी हम सब रुकेंगे जो है। यहाँ रास्ते में काफी होटल्स भी हैं, रिजॉर्ट भी हैं, जो लोग रुकते हैं आकर जो है तो रुकना भी चाहें तो आराम के लिए पूरी व्यवस्था है यहाँ पर जो। तो यहाँ पर एक चीज हम कहना चाहेंगे कि गोवर्धन परिक्रमा में काफी सहूलियत और बहुत ही आरामदायक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम जो है मंदिर पहुंचेंगे जो रास्ते में पड़ता है। इस मंदिर को हम बोलते हैं पूंछरी का लोटा। जो भी लोग परिक्रमा करते हैं वो यहाँ पर दर्शन कर कर ही आगे जाते हैं। यहाँ पे दर्शन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सभी लोग जितने भी हैं परिक्रमा करने वाले वो सब जाते हैं। श्री पूंछरी का लोटा जी, तो यहाँ पे परिक्रमा हम सबने की, मंदिर की परिक्रमा जो कि सभी करते हैं यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थी। और फिर उसके बाद हम आए हैं बाहर। सो सभी बहुत हैप्पी हैं। सो राधे राधे करते हुए आगे बढ़ने हैं के लिए शुरू हो चुके हैं। तो फिर अब हम सब फिर से अपना ई रिक्शा में आ गए हैं और फिर से आगे की तैयारी, क्योंकि अब शाम भी हो रही है तो लगभग हमको रात ही हो जाएगी। सो अब हम फिर से अपनी आगे की परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम पहुंचे राधा कुंड के बाद कुसुम सरोवर। यह सरोवर बहुत ही अच्छा सरोवर है, जिसका दिखने में बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। रात के समय में यहाँ की रोशनी, लाइट बहुत ही अद्भुत है। गोवर्धन में कुसुम सरोवर बहुत ही अच्छा सरोवर है, यहाँ देखने से जो है मन ही नहीं भर रहा था, लेकिन फिर भी हम आगे चले क्योंकि यात्रा पूरी करनी है और लगभग रात ही हो गई। सो अब हम अपने परिक्रमा मार्ग में अंत में पहुंचे मानसी गंगा। सो यहाँ पे अब हमारी माता जी उतर रही हैं, बाबू जी आगे चल रहे हैं, तो मानसी गंगा पर ही ये मंदिर भी है, गोवर्धन जी का है। यहाँ पर भी बहुत ही भव्य मंदिर सजाया हुआ है फूलों से, लाइटों से, और शिवा बहुत एंजॉय कर रहा है यहाँ पर। सो धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं इस मंदिर में। सो बहुत ही अच्छा निर्माण और अच्छे से सजा रखा है, मैंने यहाँ पर आकर एक ऐसा महसूस होता है कि हाँ सही में जो डिविनिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इस संसार में।
जो छुपाए नहीं छुप सकती, और अंदर से ही फीलिंग आने लगती है एक स्पिरिचुअलिटी की अलग से ही। जो ये नहाने के लिए लगाए हुए हैं टैप, जो मानसी गंगा का ही पानी है, तो यहाँ पर नहाने की भी सुविधा है, मेल और फीमेल। तो ये मेल का है और फीमेल का सामने की तरफ है जो हमने देखा था। तो लोग जैसे आते हैं, थक जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, तो अपना परिक्रमा खत्म करने के बाद फिर यहाँ पर स्नान कर लेते हैं। तो यहाँ पर यात्रा खत्म होने के बाद मानसी गंगा में पूजा की जाती है, देन उसके बाद यात्रा समाप्त हो जाती है। सो हम भी यहाँ पर मंदिर आए, दर्शन किए हैं सबने जो है, और फिर अब वापसी की तैयारी। सो हमारी माता जी थक गई बहुत ही ज्यादा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है, वो राधे राधे बोलते हुए चल रही है आगे आगे और हिम्मत जुटा रही है और बहुत ही हैप्पी भी है। सो मैं बता नहीं सकता कि बहुत ही अलग ही अनुभव रहता है। सो हम सब ने यात्रा पूरी की ये रिक्शा से और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ हमें यहाँ पर। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ऐसे ही आगे भी हम वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।